आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर वन इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। Here comes a trip to temptation, a journey to jollity, a departure to delight, a voyage to veracity, a flight of life, Radio Udaan, Radio Udaan. आप सुन रहे हैं भारत दर्शन आरजे गीता के साथ। रेडियो उड़ान पर मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। आरजे गीता सुमन हूं आपके साथ। भारत दर्शन का सफर शुरू हो चुका है, शाम के पूरे 7 बज चुके हैं। आज मैं आपको ले चलती हूं नेशनल पार्क की सैर पर। आज के भारत दर्शन के सफर में हम जिस पार्क की बात कर रहे हैं वो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात करेंगे आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। जो प्रकृति माँ की शांत गोद में आराम करना चाहते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। ये राष्ट्रीय उद्यान विशाल हिमालय की तलहटी में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के रामनगर नामक छोटे से कस्बे में स्थित है। ये 525.8 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। कुमाऊं के नैनीताल जनपद में ये उद्यान विस्तार लिए हुए है। दिल्ली से मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर होते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क की दूरी 290 किलोमीटर है। पहले ये पार्क राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, परंतु सन 1957 में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। इस पार्क का नाम प्रसिद्ध ब्रिटिश शिकारी, प्रकृतिवादी और फोटोग्राफर जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। स्वच्छंद विचरण करने वाले बाघों के मामले में कॉर्बेट नेशनल पार्क का संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। इसी वजह से कॉर्बेट नेशनल पार्क ने इस अद्भुत भव्य लुप्त प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद को मजबूती से बरकरार रखा हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से अधिक एशियन हाथियों का भी निवास स्थान है, जिनको पूरे इत्मीनान से विशाल झुंडों में देखा जा सकता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क की सीमाएं मिली हुई हैं, और दोनों नेशनल पार्क मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप के उस सबसे बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां बाघ और हाथी स्वतंत्रता से विचरण करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से भी अधिक प्रजातियों के स्थानीय तथा विदेशी प्रवासी पक्षियों का घर भी है। प्राकृतिक पर्यावरण से संपन्न क्षेत्र सारे संसार की कुल पक्षी प्रजाति की 6% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूरे यूरोप की पक्षी विविधता से भी अधिक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले 49 प्रजाति के शिकारी पक्षी इस पक्षी विविधता के प्रमुख तत्व हैं, और सर्दियों में ये विविधता अपने शीर्ष पर होती है। ये गौरवशाली पशु विहार है। ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की, और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। से एवरीथिंग इज अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेशन। से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति। से एवरीथिंग इज अ
asking for free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's number one international mailing list. Come and join us today. Thank you.
गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम में गजल सुनना न भूलिए रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरती सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए सुन रहे हैं भारत दर्शन आरजे गीता के साथ। आपने ट्यून इन किया है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान पर आप शो सुन रहे हैं भारत दर्शन मेरे यानी गीता सुमन के साथ। आज के भारत दर्शन के सफर में हम प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का अवलोकन कर रहे हैं, यानी कि भारत दर्शन के आज के सफर में हम आ पहुँचे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी हाँ दोस्तों, आज इस खूबसूरत पार्क की बात कर रहे हैं हम भारत दर्शन के आज के सफर में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। स्थापना के समय इसका नाम संयुक्त प्रांतों के राज्यपाल सर हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क रखा गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क से बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। इसके बाद सन 1957 में इस पार्क का नाम प्रसिद्ध ब्रिटिश शिकारी प्रकृतिवादी और फोटोग्राफर एडवर्ड जिम जेम्स कॉर्बेट, जो कि बाद में लेखक बन गए थे, के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया।
जो कि वर्तमान में प्रचलित है। एडवर्ड जिम जेम्स कॉर्बेट ने पार की स्थापना तथा सीमा निर्धारण में मदद की थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमायू में कुमाऊ में शिकार के अनुभवों का वर्णन किया गया है। पुस्तक में लेखक ने उस बाघ के शिकार का स्पष्ट वर्णन किया है जिसने कथित तौर पर 400 मनुष्यों को मार डाला था। अब हम थोड़ी सी चर्चा एडवर्ड जिम जेम्स कॉर्बेट के बारे में भी कर लेते हैं। एडवर्ड जिम जेम्स कॉर्बेट का जन्म एक आयरिश परिवार में हिमालय की तलहटी में स्थित संयुक्त प्रांत जो कि अब भारत का उत्तराखंड राज्य है उसके कुमायू क्षेत्र के नैनीताल कस्बे में हुआ था, जिनका पालन पोषण क्रिस्टोफर और मेरी कॉर्बेट के 13 बच्चों के बड़े परिवार में हुआ और जिम उनके 8वें पुत्र थे। उनके माता पिता सन 1862 में नैनीताल आ गए थे। जब क्रिस्टोफर कॉर्बेट की नैनीताल के पोस्टमास्टर पद पर नियुक्ति हुई, सर्दियों के मौसम में ठंड से बचाव के लिए पूरा परिवार रहने के लिए तलहटी में कालाढोंगी कस्बे के पास छोटा हल्द्वानी नामक गांव में चले जाते थे। जब जिम 4 वर्ष के थे उनके पिता की मृत्यु हो गई। बचपन से ही वे घर के आसपास के जंगलों और वन्य जीवों पर सम्मोहित थे। जंगलों में लगातार भ्रमण करते हुए युवा जिम अधिकांश पशु पक्षियों को उनकी आवाज से पहचान लेते थे। समय के साथ जिम एक अच्छे खोजी और शिकारी बन चुके थे। जिम ने अपने करियर की शुरुआत रेलवे में नौकरी करने से की और फिर बाद में भारतीय ब्रिटिश सेना में कर्नल रैंक तक कार्य किया। भारतीय ब्रिटिश सेना के आग्रह पर जिम कॉर्बेट ने संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है में अनेकों नरभक्षी बाघों और तेंदुए के आतंक से यहाँ के निवासियों को मुक्ति दिलाई तथा इस क्षेत्र में अत्यधिक ख्याति अर्जित की। घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा उसके घर में जाऊंगा, सच कहता हूँ राम कसम मैं जोरू उसे बनाऊंगा। अरे 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 अरे
रे रबा डाला रे मीठी मीठी भोली भाली बत्तियों से मारे काली काली मत वाली अखियों से मारे मीठी मीठी भोली भाली बत्तियों से मारे 16 साल की जवानी आपने ट्यून इन किया है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान पर आप शो सुन रहे हैं भारत दर्शन, मेरे यानी गीता सुमन के साथ। भारत दर्शन के आज के सफर में हम आ पहुँचे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी हाँ दोस्तों, आज इस खूबसूरत पार्क की बात कर रहे हैं हम भारत दर्शन के आज के सफर में। सन 1907 से सन 1938 के बीच में जिम कॉर्बेट ने 19 नरभक्षी बाघों और 14 नरभक्षी तेंदुओं का शिकार किया। ये नरभक्षी लगभग 1200 से अधिक बच्चों, पुरुषों और महिलाओं को मार चुके थे। जिम कॉर्बेट द्वारा मारा गया पहला नरभक्षी बाघ चंपावत का बाघ था, जो कि 436 दर्ज मौतों का जिम्मेदार था। जिम कॉर्बेट का मानना था कि अधिकांश बाघों और तेंदुओं के नरभक्षी होने के दो कारण थे। पहला कि वो शिकार के दौरान घायल होने से जंगली जानवरों के शिकार में असमर्थ थे, तथा दूसरा ये कि उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान बाघ का शिकार एक फैशनेबल खेल बन गया था और उस खेल बचे परंतु घायल हो चुके बाघ शिकार करने में असमर्थ होने के कारण नरभक्षी हो गए थे। जिम के अपने खाते में कम से कम एक गलत जानवर को, जो नरभक्षी नहीं था, मरने का जिक्र है, जिसका उनको सदैव बेहद अफसोस रहा। सन 1920 ईस्वी में जिम ने अपना पहला कैमरा खरीदा और वन्य जीवों को सिने फिल्म में रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे जैसे उनका प्रेम बाघों के प्रति बढ़ा, उन्होंने उनको गोली नहीं मारने का संकल्प लिया जब तक कि वो नरभक्षी न हो। जिम बाघों के निवास और संरक्षण के विषय में अत्यंत गंभीर थे। वे स्कूली बच्चों के समूह को प्राकृतिक विरासत के बारे में बताते और बताते कि क्यों हमारे जंगलों और वन्य जीवों को संरक्षित करने की जरूरत है। सन 1957 में जिम कॉर्बेट के सम्मान में इस नेशनल पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। अपनी छठी पुस्तक ट्री टॉप के लेखन की समाप्ति के पश्चात जिम की दिल के दौरे की वजह से मृत्यु हो गयी। पाइए दिल्स और खाइए चिप्स, चाहे हो ब्यूटी की, किचन की, होम डेकोरेशन की या हेल्थ की। एंजॉय माय दिल्स विद योर चिप्स एंड हैव क्रंची मंची स्माइल विद ग्लो ऑन द फेस। लिसन दिल्स विद चिप्स हर मंगलवार रात 8 से 9 बजे तक ऑन रेडियो उड़ान। Log on to www.radioudan.com. Thank you.
शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला
इफ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर, अगर आपको खेल और खिलाड़ियों का जुनून है तो रेडियो उड़ान लाया है आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स शो ऑन रेडियो, स्पोर्ट्स गैलेक्सी विद स्वाति सक्सेना. Tune on to Radio Udaan every Tuesday 10 to 11 p.m. and know all about sports and its events, the famous personalities and much much more. Apne pasandeeda khel aur khiladiyon ke bare mein janiye aur gossip ka maza bhi uthaiye. Only on Radio Udaan, Sports Galaxy with Swati Saxena. 10 to 11 p.m. and rebroadcast it on Wednesday 5 to 6 p.m. गीता के साथ रेडियो उड़ान पर आप शो सुन रहे हैं भारत दर्शन, मेरे यानी गीता सुमन के साथ. आज के भारत दर्शन के सफर में हम प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का अवलोकन कर रहे हैं, यानी कि भारत दर्शन के आज के सफर में हम आ पहुँचे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. जी हाँ दोस्तों, आज इस खूबसूरत पार्क की बात कर रहे हैं हम भारत दर्शन के आज के सफर में. कॉर्बेट नेशनल पार्क केवल प्रकृति से संबद्ध नहीं है, न ही ये केवल वन्य जीवन के बारे में है, अपितु ये तो हमारी संपन्न प्राकृतिक विरासत तथा इसके इतिहास का एक जीवंत हिस्सा है. कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन एवं वन्य जीव संरक्षण एक परंपरा के रूप में लंबे समय से विद्यमान है. कॉर्बेट नेशनल पार्क एशिया तथा भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय पार्क है. ये तथ्य यही स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि हमारी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के प्रयास में कॉर्बेट नेशनल पार्क सर्वोच्च स्थान पर है. ये राष्ट्रीय उद्यान विशाल हिमालय की तलहटी में स्थित है और अपने हरे भरे वातावरण के लिए जाना जाता है. कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के भ्रमण का समय नवंबर से मई तक होता है. इस मौसम में ट्रेवल एजेंसियां कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों को घुमाने का प्रबंध करती हैं. कुमाऊं विकास निगम भी प्रति शुक्रवार दिल्ली से कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तक पर्यटकों को ले जाने के लिए संचालित भ्रमणों का आयोजन करता है. कुमाऊं विकास निगम की बसों में अनुभवी मार्गदर्शक होते हैं जो पशुओं की जानकारी और उनकी आदतों के बारे में बताते हुए बातें करते रहते हैं. यहाँ पर शेर, हाथी, भालू, बाघ, सुअर, हिरण, चीतल, नीलगाय, घुरल और चीता आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं. इसी प्रकार इस वन में अजगर तथा कई प्रकार के सांप भी निवास करते हैं. इस पार्क में दिखाई देने वाले जानवरों में बाघ, चीता, हाथी, हिरण, सांभर, जंगली सुअर, घुरल, लंगूर शामिल हैं. इस पार्क में लगभग 600 प्रजातियों के रंग बिरंगे पक्षी रहते हैं जिनमें मोर, तीतर, कबूतर, उल्लू, चकवा, मैना, चिड़िया, कठफोड़वा, बतख, गिद्ध, सारस, जलकाग, बाज, बुलबुल शामिल हैं. इसके अलावा यात्री यहां पर 51 प्रकार की झाड़ियां, 30 प्रकार के बांस और लगभग 110 प्रकार के विभिन्न वृक्ष देख सकते हैं. भारत जंगली बाघों की सबसे अधिक आबादी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लगभग 160 बाघों का आवास है. ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ के आकर्षक पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने तथा साहसिक सफारी के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं. वे पर्यटक जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के सुनसान जंगलों का भ्रमण करने की योजना बना रहे हैं, वे ढिकाला भी जा सकते हैं जो पाटिल दून घाटी के किनारे स्थित है. ढिकाला से घाटी का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है जिसकी पृष्ठभूमि में कांडा पर्वत श्रेणी है. ढिकाला के रास्ते से जाते हुए आपको जंगली हाथी, चीतल, हिरण और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देखने का अवसर मिल सकता है. अनुभवी गाइड के साथ ट्रैकिंग पर जाना यहाँ की लोकप्रिय गतिविधि है जिसका आनंद पर्यटक यहाँ उठा सकते हैं. पर्यटक कॉर्बेट वाटरफॉल्स यानी कि पानी के झरने का भी आनंद उठा सकते हैं
जो लगभग 60 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पार्क में पिकनिक या कैंप के लिए ये एक आदर्श स्थान है। पार्क के बिजरानी और ढिकाला क्षेत्र में हाथी पर बैठकर सैर उपलब्ध है। कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए कोसी नदी राफ्टिंग का अवसर प्रदान करती है। पार्क में स्थित विभिन्न रिसोर्ट्स रिवर नदी राफ्टिंग के लिए आवश्यक उपकरण और सुविधाएं प्रदान करते हैं। पर्यटक कोसी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में मशीर फिशिंग का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ कई रिसोर्ट्स हैं जो मछली पकड़ने के लिए आवश्यक व्यवस्था करते हैं। कालाढुंगी में कॉर्बेट संग्रहालय भी दर्शनीय स्थान है। ये प्रसिद्ध ब्रिटिश शिकारी जिम कॉर्बेट का विरासत बंगला है। यहाँ कुछ दुर्लभ चित्र और इस विशिष्ट व्यक्ति का कुछ निजी सामान भी रखा है। पर्यटक क्यारी कैंप में रुक सकते हैं, जो कुमाऊं की तलहटी में स्थित है। वन्य जीवन अभयारण्य जंगल में एशियाई हाथियों और बाघों को देखने का अवसर प्रदान करता है। रामगंगा नदी, मंडल नदी और सोन नदी नेशनल पार्क की पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यटक यहाँ शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ मौसमी धाराएं होता है। सीताबनी मंदिर और रामनगर पार्क के अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण हैं। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हवाई मार्ग, रेल और रास्ते द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे इस पार्क की सैर गर्मियों में और ठंड के दौरान करें। Seven days, 168 hours, 10,080 seconds. The world faces infinite amount of changes. Thunderous, terrorizing, terrible and tantalizing events. Everything will be kept in 60 minutes, only on Radio Udaan, World This Week, a war on the globe. Every Sunday, 8 to 9 p.m. with Balanagendran. Don't forget to tune into Radio Udaan to listen to World This Week, a war on the globe.
जब तक होगा दम में दम, साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियां हो या गम। मुझको मिली है सांसें तेरे लिए, मुझको मिली है सांसें तेरे लिए, ख्वाब सजाए आंखें तेरे लिए। अब न कभी रुके तेरे वादों का मौसम, मां
सुन रहे हैं भारत दर्शन आरजे गीता के साथ। भारत दर्शन के आज के सफर को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगी। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.radiodan.com। श्रोताओं, इस शो की आप रेटिंग भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से भारत दर्शन शो की क्या रेटिंग हो सकती है? आज का शो आपको कैसा लगा? आप इस रेटिंग के साथ आप अपना फीडबैक दीजिएगा। वेबसाइट पर जाकर सबमिट योर फीडबैक पर लिंक पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा। इस शो की रेटिंग के साथ अपना नाम, ईमेल एड्रेस के साथ अपना फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं और हमारे मेल का पता है geeta@radioudaan.com। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी मैं आपसे किसी नए राज्य में, किसी नए पर्यटन स्थल पर, और जानेंगे उसके बारे में बहुत कुछ। जी हाँ श्रोताओं, तब तक के लिए कीजिए इंतजार और अगले शुक्रवार इसी समय यानी कि शाम को 7 बजे सुनना मत भूलिएगा भारत दर्शन, जहाँ हम आपको भारत के हर कोने में ले जाते हैं भारत के अनोखे सफर पर। तो तब तक के लिए गीता सुमन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पायलिया हो 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 हो, पायलिया हो 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 हो, तेरी बात ये दिन तो कर...
से बांधे सांसों का बंधन तेरी पायल गोरी मेरे दिल की धड़कन